तो दोस्तों, इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी सफेद कमरे में लेटा हुआ दिखाई देता है। जब वह आदमी उठता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है। इसके बाद वह आदमी दीवार पर छानबीन करने लगता है। उसे दीवार से एक बटन बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। जब वह उस बटन को दबाता है तो दीवार पर हजारों की संख्या में बेबी एंजल्स निकलते हैं। और थोड़ी देर बाद वो एंजल्स वापस दीवार के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका कुछ हिस्सा बाहर ही रह जाता है। उस आदमी को समझ में आ जाता है कि वो अजीब सी चीज थी क्या, और जोर से चिल्लाने लगता है। उस बटन की सच्चाई जानकर वो अपनी उंगलियां सूंघने लगता है और बहुत शोर करता है कि कोई उसकी मदद करे। उसे वहां कोई मदद नहीं मिलती। अब वो अलग अलग बटन दबाने लगता है। हर एक बटन दबाने के बाद कमरे में नई नई चीजें गिरती है। कभी ब्रश गिरता है तो कभी गुलदस्ता गिरता है। उसने हिसाब लगाया कि एक बटन दबाने में एक ही चीज बार बार गिरती है। इसके बाद वो एक बटन बार बार दबाकर चॉपस्टिक्स की ढेर लगा देता है। जैसे ही वो दूसरा बटन दबाता है, एक ट्रॉली जैसी चीज उसके पैर से टकरा जाती है, जिस वजह से वो दर्द में माइक पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एक बटन दबाने पर वहाँ बच्चे का पिछवाड़ा निकल आता है, जो उसके मुंह पर पात देता है। इसके बाद वो अलग अलग बटन दबाकर ढेर सारी चीजें इकट्ठा कर लेता है। जब वो एक बॉल से खेल रहा होता है तो वो बॉल एक बटन पर लग जाती है, जिससे सुशी नाम की एक डिश बाहर निकलती है। अब वो आदमी काफी खुश था, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। वो सोचता है कि सुशी के साथ अगर सोया सॉस मिल जाता तो मजा आ जाता, लेकिन उसके बार बार बटन दबाने से वही डिश बाहर निकलती। हार मानकर वो चुपचाप से उसे खाने लगता है। खाना खत्म होने पर वो और मंगवाने के लिए एक बार फिर से बटन दबाता है, तो इस बार वहां से सोया सॉस की बोतल बाहर निकलती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और सोया सॉस की बोतल गुस्से में दूर फेंक देता है। थोड़ी देर लेटे लेटे वो एक बटन दबा देता है तो वहां से 3D चश्मा निकलता है। जब वो उस चश्मे को पहनता है तो उसे एक बेबी इशारा करते हुए एक बटन दबाने को कहता है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि शायद अब वो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो बटन दबाता है तो कमरे में एक घड़ी स्टार्ट हो जाती है और एक बड़ा सा पिछवाड़ा बाहर आकर उसके मुंह पर पात देती है। थोड़े और बटन दबाने के बाद उसे एक किताब मिली, जो उसे काफी मजेदार लगी। कुछ घंटों में उसने उसके 5 पार्ट पढ़ डाले, लेकिन जब उसने 6वां पार्ट मंगवाने के लिए बटन दबाया तो वहां से 7वां पार्ट बाहर आया। परेशान होकर उसने दोबारा बटन दबाया तो इस बार भी 8वां और 9वां पार्ट ही बाहर निकला। 6वां पार्ट ढूंढने के चक्कर में उसने एक और बटन दबाया, तभी उसके पीछे एक दरवाजा खुला। वो दरवाजा देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि आखिरकार उसे आजादी मिल ही गई। आजादी की खुशी में वो ये भूल जाता है कि आखिरकार वो बटन था कौन सा। वो उस बटन को ढूंढने के चक्कर में ऐसे ही पहला बटन दबाता है तो एक अफ्रीकन आदमी बाहर निकलता है और दूसरी तरफ निकल जाता है। दूसरे बटन दबाने से उसके सिर पर पानी गिरने लगा, लेकिन आखिरकार तीसरे बटन से दरवाजा खुल ही जाता है। जैसे ही वो बटन को छोड़कर दरवाजे की ओर जाने लगता है, दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ देर ट्राई करने के बाद उसे समझ आ जाता है कि जब तक बटन दबा रहेगा तब तक ही दरवाजा खुला रहेगा। वो एक बार रनिंग पोजीशन लेकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद उसने नए नए तरीके अपनाए, लेकिन इनमें से कोई भी काम नहीं आया। उसने ट्रॉली से भी दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ये सब बेकार रहा। इसके बाद उसने दिमाग लगाया और गुलदस्ता बटन पर रखा, लेकिन वो इतना भारी नहीं कि बटन को दबाए रखे। वो उस गुलदस्ते को भरने की कोशिश करता है। इसके बाद उसने गुलदस्ते में पानी भरने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके सिर के अलावा कहीं और नहीं गिरता। फिर उसने दिमाग लगाकर गुलदस्ते को सूसी से भर दिया। गुलदस्ता बहुत भारी हो चुका था। वो गलती से उसे एक बटन के ऊपर रख देता है, जिससे अफ्रीकन आदमी दीवार से बाहर निकलता है और वो गुलदस्ते से टकराता है, जिससे गुलदस्ता टूट जाता है। अब वो गुस्से में चिल्लाने लगा। वो हर प्रकार से ट्राई करता, लेकिन वो असफल ही रहा। फिर वो एक बटन दबाता है, जिससे रस्सी बाहर निकलती है। वो रस्सी से हिसाब लगाता है और झूलते हुए दरवाजे को पार कर ही लेता है, लेकिन जब वो दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वो नहीं खुलता। वो नोटिस करता है कि उसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। दरवाजा बंद होने से पहले ही वो कमरे में वापस आ जाता है। जब उसने गुस्से में दीवार पर लात मारी तो एक चाबी हवा में तैरने लगी, लेकिन ये चाबी भी बटन के बंद होने पर गायब हो जाती। वो चाबी निकालने के तरीके ढूंढने लगता है। जब वो फिर से बटन दबाता है तो वहां से एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। वो फिर से कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वहां सारे बटन पास पास और एक जैसे ही दिखने वाले थे। इसके बाद उसने सही बटन ढूंढकर उसके ऊपर सुशी का टुकड़ा रख दिया। एक दो बार फेल होने के बाद आखिरकार वो चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंच ही गया। लेकिन यहाँ पर मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। वो देखता है कि दरवाजे के ऊपर नंबर वाला लॉक भी था। वो जल्दी से वहां से कमरे में आता है। निकलते टाइम दरवाजा जोर से उसके कमर में लगता है।
गुस्से में उसने एक प्लंजर जोर से फेंका जो एक बटन पर लगा, जिससे वो अफ्रीकन आदमी बाहर आया। इस बार उसने नोटिस किया कि उसके सर पे कुछ नंबर लिखे हुए थे जो शायद उस ताले को खोलने का नंबर है। उस नंबर को डालकर वो अंदर का दरवाजा खोल देता है। वह उस दरवाजे को पूरा नहीं खोल पाता, उसी वक्त बाहर का दरवाजा भी बंद हो जाता है। वो थक हार कर वहीं पर बैठकर रोने लगता है। अब उसे कमरे की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि कमरे में उसके पास कितना कुछ था। वो बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन जो चीजें उसके पास थी समय रहते उसने उनकी कदर नहीं की थी। अचानक से उसे अपनी बाईं ओर से हवा का झोंका आता दिखाई देता है। वो उस दीवार को खोलता है और अपनी पूरी स्पीड से उस तरफ भागने लगता है। वो पूरी जगह एक जैसी ही थी, माना वो एक ही जगह पर बार बार भाग रहा हो। भागते भागते वो दूसरे कमरे में पहुंचा जहां रोशनी थोड़ी कम थी। उसके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो जाता है। एक आवाज हमें बताती है कि जिंदगी के इस पड़ाव को प्रैक्टिस कहते हैं। अगले सीन में हमें मेक्सिको का एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है जहां एंटोनियो का परिवार काफी परेशान था। इसके पिता एक रेसलर हैं। आज उनका मैच है जिसकी वजह से वो अजीब सा व्यवहार कर रहा था। उसकी पत्नी सोच रही थी क्योंकि उसका विरोधी काफी ताकतवर है, इसीलिए वो थोड़ा सा डरा हुआ होगा। इसके बाद वो जल्दी से स्टेडियम पहुंचकर तैयार हो गया और मैच से पहले भगवान की आराधना करने लगा। उधर स्कूल में बच्चे एंटोनियो का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो सच में मान रहा था कि उसका पापा ये मैच जीत जाएगा। मैच का वक्त होते ही एंटोनियो का दादा भी गाड़ी से स्टेडियम में पहुंच जाता है और वो बड़ी जल्दी से सीट लेकर मैच का इंतजार करने लगे। पहली टीम का नाम था नॉर्दर्न टब। इसके बाद एंट्री हुई स्कॉटगॉट मैन और उसके साथी सिल्वर ईगल की। सिल्वर ईगल पहले तो दोनों पर भारी पड़ा, लेकिन दूसरी टीम के दोनों पहलवान साथ में आकर बुरी तरह से मारते हैं। किसी तरह से सिल्वर ईगल स्कॉटगॉट मैन को हाथ दे देता है। अब स्कॉटगॉट मैन रिंग में आ चुका था। वो बुरी तरह से मार खा रहा होता है। उनमें से एक पहलवान उसके सर पे कुर्सी मारने ही वाला होता है। तभी कमरे में बंद आदमी एक बटन दबा देता है जिससे स्कॉटगॉट मैन की गर्दन लंबी हो गई। उसने सर मारकर दोनों पहलवानों को हरा दिया। बटन दबाने पर कमरे में कोई भी चीज नहीं निकली, इसीलिए वो बार बार बटन दबाने लगा। उधर स्कॉटगॉट मैन अपने सर से सिल्वर ईगल रेफरी और अपने बेटे को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो पागलों की तरह अपने सर से घंटी बजाने लगा। कमरे में वो आदमी अलग अलग बटन दबाने लगा। किसी बटन से सिंगर के मुंह से आग निकलने लगती है तो किसी बटन से जादूगर का जादू फेल हो गया। एक और बटन दबाने पर एक आदमी अपने ही कुत्ते पर भौंकने लगा। अब वो देखता है कि पिछले कमरे की तरह इस कमरे में छत नहीं थी जिसमें एंजल्स उड़ रहे थे। अब वो बटन दबाने की वजह उन पर ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ते वक्त उससे बटन दबने लगे और दुनिया में अलग अलग चीजें होने लगी। कहीं हाथी गिरा, कोई चांद पर पहुंचा। जब तक वो ऊपर पहुंचा उसकी दाढ़ी और बाल बढ़ चुके थे। अब वो धीरे धीरे अपने आप हवा में उड़ रहा था। एक आवाज हमें सुनाई देती है जो यह कहती है कि अब दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। उसने भगवान का दर्जा पा लिया है। आगे चलते चलते उसके चारों ओर सफेद पंख उड़ने लगे जो उसे आखिरी कमरे तक ले गए। इस कमरे की दीवारों पर पूरे विश्व का नक्शा बना हुआ था और एक बड़ा सा बटन भी था। जैसे ही वो आदमी उस बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ा, स्क्रीन एकदम से ब्लैक पड़ जाती है और इस मूवी का एंड यहीं पर होता है।